जारी है सफर और हौसले बुलंद, सबसे ज्यादा सबसे सटीक, न डर न भय, हम सब की आवाज सबसे तेज सिर्फ तहलका न्यूज पर, तहलका न्यूज पर, तहलका न्यूज पर, सिर्फ खबर ही नहीं भरोसा भी। मैं रंजीत राय तहलका न्यूज की तरफ से सभी दर्शक भाइयों का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। इस समय मैं शारदा नारायण हॉस्पिटल में हूं और आज किडनी दिवस है। पूरे साल में जितने भी बीमारी से स्वस्थ होने के दिवस हैं उतने दिवस मनाते हैं शारदा नारायण हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर संजय सिंह जी। और ये दिवस मनाने के पीछे इनकी मंशा सिर्फ एक रहती है, लोगों में जागरूकता है, क्योंकि स्वस्थ रहना और स्वच्छ रहना दोनों बिना जागरूकता के संभव नहीं है। अब मैं आपको सीधे शारदा नारायण हॉस्पिटल के चेयरमैन यशस्वी ख्याति उपलब्ध डॉक्टर संजय सिंह सर की आवाज़ से आपको रूबरू कराता हूँ। पहली चीज़ आप बताइए कि बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है और कौन है? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो बीमारी हमारे यहाँ है, हमें लगता है कि अज्ञानता, ज्ञान की कमी होना, उसके बारे में जानना नहीं और सीखने की भी जरूरत ना समझना। हमें लगता है कि अगर हम लोग अपने आप को अधिक शिक्षित करें, अपने आप को जागरूक करें, बीमारियों के बारे में जानें, तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और जिसमें हमको पैसे की जरूरत भी नहीं है। केवल अपने आप को कैसे फिट रखें, एक देश के लिए भी एक बहुत बड़ी सेवा होगी अगर एक व्यक्ति खुद स्वस्थ रखे और जो भी काम कर रहा है उसको और शिद्दत से करे और मेहनत से करे, तो ये सबसे बड़ी देश की सेवा हो सकती है। क्या आपको नहीं लगता कि परिवार में जो आपसी टकराव है, आपसी तनाव है, वो भी बहुत बीमारियों का कारण है? ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी। जी, ये आप सही किया है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, उसका उससे भी आपको उससे कैसे अपने आप को निपटना है, तनाव से कैसे अपने आप को बचाना है, अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है, ये भी आपको एक हुनर आना चाहिए इसको। तो अगर क्योंकि जिस समाज में जीना है तो समाज में तमाम परेशानी पारिवारिक हो सकती है, सामाजिक परेशानी हो सकती है, तो अपने आप को स्वस्थ आप रखेंगे, अपने को बीमारी मुक्त रखेंगे, तो आपका मानसिक, शारीरिक, फिजिकल और स्पिरिचुअल सब चीज़ मिल के ही एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति का विकास होता है। इस समय जो मौसम है, इस मौसम की किस बीमारी पर ज़्यादा प्रभाव है? देखिए, इस समय जब मौसम चेंज होता है तो वायरल बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। इसमें वायरल बीमारियाँ और जो पानी से जनित बीमारियाँ होती हैं जैसे टाइफाइड, पीलिया, ये जब परिवर्तन, जब मौसम का परिवर्तन होता है तो ऐसी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसे में हम लोग हमेशा कहते हैं कि अपने आप को जब सडनली जब ठंडे से गर्म में मौसम आता है तो तुरंत कपड़ा मत उतार लें, अपने को बचा के रखें। शाम के समय ठंडक बढ़ जाती है, उस समय आप कोई भी वायरल बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। खान पीन में हमेशा ध्यान रखें कि बाहर की कोई चीज़, तली भुनी चीज़ें कम से कम सेवन करें, हरी सब्जी और फ्रूट्स का सेवन अधिक से अधिक करें, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि नियमित व्यायाम करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, रोज़ टहलें, एक्सरसाइज करें, जो गेम खेलते हैं आप गेम खेलें, क्योंकि अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं, अपने आप स्वस्थ रखते हैं, तो आप अपने आप को बड़ी बीमारियों से, इन बीमारियों से अपने को बचा सकते हैं। आपकी चिकित्सा शिक्षा किस सन में पूरी हुई थी? हमने देखिए, चिकित्सा शिक्षा तो जीवन भर चलती रहती है, कभी ख़त्म होने वाले नहीं है, लेकिन हमने पोस्ट ग्रेजुएशन 2002 में अपना कंप्लीट किया, MD जो कानपुर मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया, और उसके बाद दिल्ली गए। और जीवन में हर व्यक्ति चिकित्सक नहीं, हर व्यक्ति अपने कल के अनुभव से, रोज़ के अनुभव से सीखता जाता है। हम लोग भी अपने को अनुभव से, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को अपने सीनियर से, अपनी किताबों से, अपने जो नए नए लेख हैं, जो रिसर्चेज होती हैं, उसको पढ़ के सीखते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको अपने जीवन बचाने के लिए, मरीज का जीवन स्वस्थ रखने के लिए और समाज को अच्छा बनाने के लिए उसको प्रयोग करें। एक अनुभव अपना बताइए, आपके प्रारंभ के दिनों में जो इलाज था वो किस कीमत तक था और आज के समय में इलाज की कीमत की परिस्थितियाँ कितना विभत्स हैं? देखिए, ऐसा है कि इलाज को कीमत से कभी मत जोड़िए आप। जो कभी भी जब इलाज में अच्छी दवाएं आएंगी, अच्छा शोध हुआ, अच्छा रिसर्च हुआ, MRI, CT scan, इससे बहुत से बड़ी से बीमारी को हम पकड़ने लगे। पहले CT scan, MRI नहीं था या इतना आसानी से नहीं होता था, तो हम बीमारियों को पकड़ नहीं पाते थे। तो उससे आप देखिए कि जो कैंसर की बीमारी अगर हम CT scan से पकड़ ले रहे हैं, MRI से मैं कोई बड़ी बीमारी पकड़ ले रहा हूँ, तो बीमारी बिगड़ने से जो टोटल हमारा खर्च आप देखेंगे, तो अगर हम पहले कोई बीमारी को डिटेक्ट करते हैं तो खर्च हमारा कम हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि कभी भी इलाज, और हिंदुस्तान में इलाज इतना महंगा नहीं है, आप इसको परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व में अगर स्वास्थ्य में देखेंगे तो जो जितना खर्च विश्व पूरा और देश, यूरोपियन देश या अमेरिका करता है स्वास्थ्य पे, उससे बहुत कम खर्च हमारे देश में होता है। इवन सरकार भी नहीं उतना करती है, जबकि हम लोग की इतना पॉपुलेशन है, हमारी शिक्षा की भी कमी है, हम लोग को और अधिक उसमें खर्च करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।
तो मुझे लगता है कि पैसा, हाँ ये जरूर है कि जब सुविधाएं बढ़ी हैं, अच्छे इलाज मिलने लगे हैं, तमाम मशीनें नई नई आ गई जिससे जान बचने लगी। अब आप देखिए औसत आयु जितनी आदमी की जीने की उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, एज बढ़ती जा रही है। क्या तो आपको नहीं लगता कि ये सुविधाएं पहले भी थीं, नहीं अब बड़े पैमाने पे बड़े लोगों के लिए? हाँ, जी हाँ ये जरूर। आप देखिए मैं आज कहता हूँ, मैं सबसे कहता हूँ कि गरीब मरीज का गरीब और मरीज की बात करना जी है। गरीब मरीज और अमीर मरीज में दवाएं सबसे में, अब गरीब मरीज के लिए भी इलाज संभव है। जो पहले केवल अमीर के लिए डायलिसिस होती थी, अब गरीब मरीज भी डायलिसिस करा लेता है, गरीब मरीज भी अपना टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पे टेस्ट ट्यूब बेबी करा ले रहा है, गरीब मरीज को भी लगा कि हम करा सकते हैं। और सरकार भी इसमें कोशिश कर रही है अपने हिसाब से, आयुष्मान कार्ड के द्वारा, तमाम सुविधाओं के द्वारा। लेकिन डॉक्टरों की कमी, हमारी पॉपुलेशन का अधिक होना, शिक्षा की कमी, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बाधक आ रही हैं। माना जाता भी है और जा रहा भी है कि डॉक्टर सबसे समृद्धशाली होते हैं, विद्वान भी होते हैं, योग्य भी होते हैं, भगवान के दूसरे अंश भी होते हैं। लेकिन ये भगवान लोग जो है गरीबों के इलाज में क्यों नहीं दया करते हैं? देखिए ऐसा है, जो जो आदमी को कोई व्यक्ति एक अच्छा इंसान है वही इंसान ही डॉक्टर बनता है, और वो हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग हैं। हमें लगता है कि बहुत से अच्छे लोग भी हैं, जो अच्छे लोग हैं उनको उनको आगे आना चाहिए, उनको उनसे दूसरे डॉक्टर को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, जो अच्छे डॉक्टर हैं जो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें हर फील्ड में अच्छे बुरे दोनों लोग हैं, तो मुझे जो अच्छे लोग हैं उनको उनसे प्रेरणा लेनी है, उनको देख के हर डॉक्टर को आगे बढ़ना है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके मन में गरीबों के लिए और समाज के लिए एक जगह है और कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत से लोगों को उदाहरण दे सकता हूँ, बहुत से बुरे भी बताइए, लोग, कुछ अच्छे लोगों का उदाहरण भी जैसे बता दीजिए। आप सुने होंगे डॉक्टर लहरी साहब हैं बनारस में, वो कार्डियक के बहुत अच्छे अरे मऊ कार्डियक जिले सर्जन। में स्थानीय कोई प्रशंसा कर दीजिए। नहीं स्थानीय भी बहुत से डॉक्टर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज अरे बहुत नाम से लेने से उनका गौरव बढ़ जाएगा, बहुत हल्का से न्यूज उनका स्वागत करेगा, सम्मान करेगा और सम्मानित करेगा। नहीं अब ऐसा किसी ये एक तो डॉक्टर का आप नाम ये बता देखिए दीजिए, आप समाज, आपको छोड़ करके आप तो बहुत अच्छा काम करते नहीं हैं। हमें लगता है कि ये समाज के आप लोग खुद इसको जज करें, लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, हर डॉक्टर को इसमें आगे आना चाहिए और मदद करनी चाहिए। और डॉक्टर ही क्यों, हर व्यक्ति, हर समाज का जो व्यक्ति है, किसी को अगर मदद करने से उसका जीवन उद्धार हो, तो आप अगर किसी व्यक्ति को अस्पताल सही समय पहुंचा दीजिए, ये भी बहुत बड़ी आपकी मदद होगी। किसी का सही समय पर पानी पिला दिया, कोई उसको सही राय दे दिया, तो ये भी एक बहुत बड़ी मदद है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जैसा कार्य कर रहे हैं और तालका न्यूज और आप जैसे लोग जैसे जुड़े हुए हैं, तो इससे समाज जागरूक होगा और समाज में बहुत अधिक सुधार आ रहे हैं और सुधार आते भी रहेंगे। आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य इंसान की दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जबकि मैं कहता हूं रंजीत राय और हमारे चीफ एडिटर अरुण सिंह भीमा कहते हैं कि अदालत और अस्पताल से इंसान बचा है तो धरती का सबसे समृद्धशाली व्यक्ति है, सच है? नहीं देखिए शिक्षा और आपने स्वास्थ्य का दोनों बहुत ज़रूरी है, और ये भी हम लोग कहते हैं कि हम किसी को नहीं चाहते कि अस्पताल कोई ज़रूरी आए, लेकिन आप जानते हैं कि बीमारियां होने का जो प्रतिशत है, बीमारियां भी इसी समाज में होगी, समाज में जो तनाव है, जो जो बीमारियों का प्रतिशत है, वो तो हम ही आपके बीच से होगा। तो हम इसी इसको कम कैसे किया जा सकता है, केवल जागरूकता के माध्यम से इसको कम किया जा सकता है। तो आप लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, और समाज के हर लोग व्यक्ति जैसे चाहेंगे तो प्रतिशत जागरूकता से बीमारियों कम होने जिस लगेगा। आप जिम्मेदारी के पद पे विराजमान हैं, उस पद की गरिमा बढ़ाते हुए आप यहाँ के डॉक्टर लोगों को क्या संदेश देना चाहते मैं हैं? सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे जो एक हर आज व्यक्ति मरीज को अपना घर का परिवार के सदस्य की तरह मान के करे, उसको सेवा भाव करे और कोशिश करे कि किसी की जीवन बचाने के लिए जो भी कार्य संभव है उसके लिए भरपूर कोशिश किया जाए। इसमें भगवान भी, ऊपर वाला भी आपके साथ आपकी मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धन्यवाद, साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने एक अच्छा संदेश दिया कि यहाँ के डॉक्टर लोग अगर नेक नियति से काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनके परिवार में कोई बीमार नहीं पड़ेगा और वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि जानते हैं सभी लोग कि काम करने के बाद जब इंसान घर जाता है तो उसकी पहली मुलाकात पत्नी से होती है, और संपन्न लोगों की पत्नियां बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं करती हैं, इसीलिए कभी कभी संपन्न लोग तनाव में आ जाते हैं और बाहर घूमने चले जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हल्का न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कोटा और गोरखपुर के बाद अब आपके शहर मऊ में ABC क्लासेस, कक्षाएं प्रारंभ 26 मार्च से। पता है चर्च कंपाउंड नियर SBI मेन ब्रांच, शहादतपुरा मऊ।